शिवपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छत्री जैन मंदिर से चोरी गई भगवान की मूर्तियों को 48 घंटे के भीतर ही बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी में छत्री जैन मंदिर से बुधवार को अष्ट धातु से बनी 2 मूर्ति चोरों के द्वारा चुरा ली गई थी। साथ ही मंदिर के दान पात्र पर भी चोरों ने हाथ साफ किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। तो मौके पर शिवपुरी कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों की मदद से 48 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा किया है। शिवपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छत्री जैन मंदिर से चोरी गई भगवान की मूर्तियों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। और इस बड़ी घटना का सबक ये है कि हमें अपने महत्वपूर्ण जगह पे सीसीटीवी की बहुत अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर सीसीटीवी की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती तो हमारा परिश्रम कम लगता और जल्दी हम निष्कर्ष के पहुंच पाते। हम लोगों ने जब बड़ी बारीकी से सीसीटीवी के फुटेज देखे तो हमें 2 कमियां समझ में आई। एक ये कि सीसीटीवी के क्वालिटी का बड़ा इशू है और दूसरा ये कि सीसीटीवी जिन्होंने भी लगा रखा है उसका लीड उसका आउटपुट किसी को देखने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सीसीटीवी पे क्या हो रहा है ये कोई देख नहीं सकता अगर आधी रात को, तो आपको सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अधूरी है। एक सबक ये लेने की जरूरत है। दूसरा सबक चांदी का छत्र वगैरह भी उसमें गए थे और ये वारदात के बाद में तत्काल सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर गए थे। हमारे एसडीओपी शिवपुरी अजय भार्गव और उनके साथ में हमारे तीनों थाना प्रभारी शहर के जो हैं थाना प्रभारी देहात विकास यादव अमित भदौरिया इंस्पेक्टर कृपाल यादव थाना प्रभारी फिजिकल तीनों ने मिलकर अपनी टीमें बनाई और पूरे क्षेत्र का बड़ा बारीकी से सर्वे किया, कौन रहते हैं कैसे रहते हैं और जितने सीसीटीवी लगे थे उनके फुटेज लिए, साइबर की मदद ली और फॉरेंसिक की मदद ली। तो हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि लोकल आदमी इसमें शामिल है और इसमें पूछताछ में और लगातार जानकारी रखने के बाद में हमको लोकल के 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली। उनसे पूछताछ करने में पता लगा कि उसमें जो आरोपी हैं वो सागर से आए थे। दोनों आरोपियों को 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, अभी हमने 5 आरोपी पकड़ लिए हैं। दोनों मूर्तियाँ सुरक्षित बरामद कर ली हैं। हमने इसके साथ ही घटना में प्रयोग किए गए अपराध में 2 मोटरसाइकिल जो स्थानीय लोगों की दोनों जब्त की है, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे सागर के लोग यहाँ आए थे उनको किया है, अभी 1 आरोपी सागर का बचा हुआ है और 1 आरोपी कनाडा का बचा हुआ है। इसमें हमको 7,000 रुपये नगद बरामद करने में भी सफलता मिली है और जो टीम को 10,000 रुपये नगद इनाम देने की पहले से घोषणा की गई थी वो भी उनको दिया जाएगा। बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की है और ये बहुत जल्दी 48 घंटे में ये बहुत अच्छी सफलता शीघ्र ही पुलिस को मिली। सर ये चोर जो पकड़ा ही आए मूर्ति चोर, सर इनकी कोई इंस्टाइल स्टोरी निकल के सामने आई है? अभी बहुत कम टाइम हुआ है लेकिन अभी कैमरा फेसिंग में मुझे बताया है कि उनको कनाडा के एक व्यक्ति जो बदमाश है इसमें उसने बताया था कि यहाँ पे वारदात करने चलना है और वो व्यक्ति जो सागर से आए थे उनका कहना था कि हम भी लोकल वाले भी इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, सारी शिवपुरी वाले ये कनाडा वाला मीडिएटर था इसके साथ हम आए थे और कनाडा में उस व्यक्ति ने मूर्तियाँ रख ली थी, बाकी कैश हम लोग ले गए थे और थोड़ी देर बाद इसका बंटवारा करते हम लोग बेचने के बाद में। और अभी इनका प्राइमरी फेस ये कहना है कि जो जैन मंदिर था अभी आना जाना वहाँ होता है प्रतिष्ठित मंदिर है, उनको ज़्यादा पैसे की उम्मीद थी और पैसा नहीं मिला तो ये मूर्तियाँ ले। जो पुलिस ने इंट्रोगेशन किया इन लोगों से कुछ सामने निकल के आया क्या, बताया कुछ उन लोगों ने? बता दिया आपको, अभी प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है, आज ही पकड़ा है इनको, अभी इसे PR भी देंगे, इनसे और पूछताछ करेंगे, इनके साथियों को भी पकड़ेंगे और चीज़ें क्लियर होगी तो ये बताएंगे हम उसको, आने एंगल से भी वेरीफाई करेंगे। जैसे तीनों जो सागर के हैं तीनों का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया। कोई यहाँ का कोई लोकल का व्यक्ति है? लोकल के 2 व्यक्ति हैं यहाँ शिवपुरी, शिवपुरी प्रॉपर के जी, और एक व्यक्ति कनाडा का जो फरार है, एक व्यक्ति सागर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।